जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन 4 लेन टनल का एक हिस्सा बीते गुरुवार रात गिर गया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रामबन जिले में खूनी नाला के पास हाईवे पर हुए टनल हादसे में अभी 9 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रात में रोकना पड़ा था, जो शनिवार सुबह मौसम में सुधार होते ही एक बार फिर शुरू हो गया है। इससे पहले शनिवार रात में 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें 2 लोग जिला अस्पताल रामबन में भर्ती हैं। वहीं इस घटना में गुरुवार रात एक मजदूर की मौत हुई है। सुरंग में फंसे हुए लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के जादव रॉय, गौतम रॉय, दीपक रॉय और परिमल रॉय, असम के शिव चौहान, नेपाली नागरिक नवराज चौधरी, कुशीराम चौधरी के साथ ही जम्मू कश्मीर के रामबन के रहने वाले मोहम्मद मुजफ्फर और मोहम्मद इशरत शामिल हैं। वहीं शनिवार रात जिन 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनकी पहचान झारखंड के विष्णुगोला और रामबन के अमीन के रूप में हुई है। वहीं तीसरे घायल की पहचान वरिंदर कुमार के रूप में हुई है, जो अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस मजदूर का शव मलबे से मिला था, उसकी पहचान पश्चिम बंगाल के सुधीर रॉय के रूप में हुई है। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त कर्मियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही रामबन के डिप्टी कमिश्नर मसरत आलम, DIG डॉक्टर सुनील गुप्ता, SSP मोहिता शर्मा और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी आधी रात से बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और ADGP जम्मू मुकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।